नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री महीपाल मदेरणा एससी एसटी कोर्ट में पेश हुए। वे मुस्लिम बयान के लिए कोर्ट में पेश हुए। प्रकरण में आरोपी पूर्व मंत्री मदेरणा लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा के तहत जोधपुर जेल में बंद है। गत दिनों तबीयत खराब होने पर एम्स में मेडिकल बोर्ड से जाँच करवाई गयी थी। 5 सितम्बर को मिली जाँच रिपोर्ट में मदेरणा को मुँह के कैंसर का पता लगा था। बीकानेर देहात भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सही राम दुसाद के परिवार पर सोमवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक ही साथ उनके 3 परिवारजनों की अकाल मौत हो गई। सही राम दुसाद लोन करनसर से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे कि जगदेव वाला जामसर के बीच उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस सड़क हादसे में सही राम दुसाद, उनकी माँ व उनकी चाची का निधन हो गया। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। सलमान की याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण व राज्य सरकार की याचिका पर आज आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अधिवक्ताओं ने अदालतों में उपस्थित होकर पैरवी करने में असमर्थता जताई है। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष अजय पुरोहित के अनुसार कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, इसकी चपेट में कई अधिवक्ता भी आ गए हैं। ऐसी स्थिति में 16 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक अधिवक्ताओं को पैरवी करने में असमर्थता जताई है। उच्च न्यायालय की ओर से भी 1 अक्टूबर तक अति आवश्यक मामलों की सुनवाई किए जाने के आदेश जारी कर रखे हैं। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में एक परिवार को किसी व्यक्ति ने रात को नशीला पेय पिलाकर लूट लिया। एसीपी मंडोर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि पहाड़गंज द्वितीय क्षेत्र में भोमराज अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी के साथ रहता है। रविवार रात को गोविंद नामक शख्स उनके घर पर आया था। उसने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया, फिर घर से 25,000 रुपए, सोने के लूंग व मादलिया लूट कर ले गया। आज दोपहर में परिवार को होश आया तब पुलिस को सूचना दी। राजस्थान सरकार की ओर से वेतन कटौती किए जाने के निर्णय को शिक्षक संगठनों ने अनुचित बताया है। कटौती की घोषणा के बाद से ही शिक्षक संगठनों में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि बिना कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लिए उनको मिलने वाले आर्थिक फायदों को लगातार कम किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की मांग के संबंध में सरकार का ध्यान लोकतांत्रिक तरीके से आकर्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील बीकानेर की ओर से 14 एवं 15 सितम्बर को राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएगा। केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी व्यवहार से मजबूर होकर AIRF और NWREU ने संघर्ष का निर्णय लिया। इसी संबंध में विरोध सप्ताह के तहत सोमवार को निगमीकरण और निजीकरण के खिलाफ जोधपुर में प्रदर्शन किया गया। राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इटंग के प्रांत व्यापी आह्वान पर सोमवार को जोधपुर में भोजनावकाश के दौरान विद्युत श्रमिकों ने काली पट्टी बांधकर वेतन कटौती का विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंडल दत्त जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूरे प्रदेश में भोजन अवकाश में काली पट्टी बांधकर विद्युत श्रमिकों ने एक दिन का वेतन नहीं काटने की मांग की। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का 7वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों, किसानों व विद्यार्थियों को कृषि विद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा में होने वाले बदलाव की जानकारी दी गई। जोधपुर जिले के फलोदी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से गूगल पे की जानकारी लेकर खाते से 39,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में IT एक्ट एवं धोखाधड़ी में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि फलोदी निवासी विशाल जोशी ने रिपोर्ट दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का कार्य शुरू हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वरुण धनाड़िया ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोधपुर के बाल बसेरा बाल गृह में खाद्य सामग्री वितरित की। जोधपुर जिले के पिपाट शहर के सालवा खुर्द ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में महात्मा ज्योतिबा फुले युवा मंडल का पुनर्गठन किया गया। युवा मंडल संरक्षक शिवराज सांखला ने बताया कि 16 साल बाद महात्मा ज्योतिबा फुले युवा मंडल का पुनर्गठन का कार्य किया गया। इसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव कर अध्यक्ष अनिल सांखला को बनाया गया है।
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रम के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की जून सत्र 2020 की परीक्षा का आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होगा। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि जोधपुर क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के 17 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ आशापूर्ण पाल की ओर से श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन विभिन्न आश्रमों में सेवाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जोधपुर के विमंदित पुनर्वास गृह में सब्जियां व किराना सामग्री भेंट की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।